वेलकम बैक लर्नर्स लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैलेंस शीट वी डिस्कस्ड इनकम स्टेटमेंट इन डिटेल नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट इसमें भी अगेन फॉर देक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम हिस्टोरिकल बैलेंस शीट की बात करेंगे कि किस तरह बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है कॉन्सेप्ट इसका क्या है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है ये एक फॉर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं होती ये एक फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है और इसीलिए जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हम उसके नीचे फॉर द पीरियड एंडिंग नहीं लिखते बल्कि लिखते हैं एज ऑन आगे डेट हम लिख देते हैं एज ऑन दिसंबर दिस टू थाउजेंड दिस तो इसका मतलब यह होता है कि आज अभी इस वक्त जिस वक्त ये स्टेटमेंट बनी उस वक्त कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं इतनी लाइबिलिटीज हैं और यह इसकी इक्विटी हैिटीज ऑनर्स इक्विटी और ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस कर रही होती है आप में से अगर किसी ने अकाउंटिंग का बेसिक कोर्स पढ़ा है तो उसे यकीनन ये पता होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है एसेट्स जो कि आपके रिसोर्सेज हैं बिजनेस के वसाइल हैं आपके उनको आप अरेंज दो तरीकों से करते हैं यानी उन वसाइल को उनको अरेंज करने के लिए आपके पास दो जरिए होते हैं दो जराए होते हैं कि या तो आप उधार लाइबिलिटीज या फिर आपकी अपनी जेब जिसे हम ऑनर्स इक्विटी कहते और अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल क्या है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है बैलेंस शीट बनाते हुए कि आपके एसेट्स का टोटल शुड मैच विद द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस शीट में जहां एक तरफ एसेट्स हैं वहां दूसरी तरफ लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी और एसेट्स में आप लिखते हैं आपकी जो कैटेगरीज होती हैं उनमें एक तो आपके करंट एसेट्स होते हैं और एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस करंट एसेट्स वो हैं जो जिनका बेनिफिट जो है वो आपका विद इन वन ईयर नॉर्मली शॉर्ट टर्म विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड आप कह लें एक साल जो भी है उसके अंदर आप के वो उसका बेनिफिट ले लेते हैं जबकि जो फिक्स एसेट्स हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं इनकी मुद्दत एक साल से ज्यादा होती है करंट एसेट्स जो हैं, वो लिक्विड भी होते हैं लिक्विड से मुराद कि दे कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश अब इसमें अगर आप देखें हमारे पास करंट एसेट्स में कैश आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल्स आ रहे हैं जो कि हमने रिसीव करने हैं जो हमने चीजें उधार बेच रखी हैं लेकिन अभी उनके पैसे हमें नहीं मिले दे आर आर अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज में वो चीजें हैं जो हमारे स्टॉक में पड़ी अगर हम सिंपली सेलेबल गुड्स ला के बेच रहे हैं तो वो हमारी इन्वेंट्रीज हैं ठीक है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है हमारा कोई तो वो जो हमारा मटेरियल पड़ा है रॉ मटेरियल है या जो अभी बन रहा है या जो फिनिश्ड गुड्स हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं बन चुकी हैं वो सारी हमारी इन्वेंट्रीज का हिस्सा होती हैं। सो जनरली और भी कोई हो सकता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी समटाइम्स आपको नजर आएंगी लेकिन जनरली ये करंट एसेट्स होते हैं आपकी एक फर्म के एक बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स में ऑब्वियसली लैंड है आपकी बिल्डिंग है इक्विपमेंट है और ये जो आपके बिल्डिंग या इक्विपमेंट है या मशीनरी है ये ओवर द ईयर डेप्रिसिएट भी होते हैं ये भी आपने याद रखना है और इनके डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को भी एडजस्ट किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में इसको आपने देखा होगा एक डेप्रिसिएशन को हमने माइनस किया है और यहां पर जो बुक वैल्यू है उस एसेट की जो आपकी बिल्डिंग या इक्विपमेंट है उसको हम वो अब तक यानी इन सालों तक जितनी उसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो हर साल एक्यूमुलेट होती जाती है यानी अगर पहले साल 500 हुई दूसरे साल हजार हो जाएगी वो 500 और हो गई तीसरे साल वो पंद्रह सौ हो जाएगी तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है या जो मशीनरी है इसको इसकी जो वैल्यू है जो बुक वैल्यू है वो इस तरह शो की जाती है कि उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है यानी अगर एक चीज आप सपोज करें वन uh, थाउजेंड की है और हर साल उसने uh, कह लें कि टू हंड्रेड डेप्रिसिएट होना ठीक है तो अब दो साल बाद क्या मतलब है वो फोर हंड्रेड हो चुकी है तो जब बैलेंस शीट में उसको शो किया जाएगा तो थाउजेंड में से फोर हंड्रेड लेस करके सिक्स हंड्रेड पर उसे शो किया जाएगा तो कुछ यही काम यहां किया जा रहा है कि जो आपके बिल्डिंग या मशीनरी है या इक्विपमेंट है उसमें एडजस्ट किया जा रहा है डेप्रिसिएशन अब यकीन आपके जहन में यह भी सवाल आ सकता है कि लैंड को क्यों नहीं डेप्रीसीशन के साथ तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लैंड एक ऐसा फिक्स एसेट है जो डेप्रीसीट नहीं होता बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये एप्रीशिएट होता है सी लैंड की वैल्यू जो है ओवर द टाइम बढ़ती है इसलिए इसमें कोई आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नजर नहीं आएगी कमिंग टू द अदर साइड ऑफ बैलेंस शीट वी सी लाइबिलिटीज एंड एक्विटी लाइबिलिटीज में अगेन आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं एक तरफ और एक तरफ आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज करंट और लॉन्ग टर्म में फर्क वही है जो एसेट्स के मामले में था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कि करंट लाइबिलिटीज वो हैं जो आपने विद इन वन ईयर पे करनी है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो हैं जो आपने पे तो करनी है बट इट मे टेक मोर देन वन ईयर शॉर्ट टर्म में करंट लाइबिलिटीज में आपके अकाउंट्स पेएबल आते हैं एसेट्स में आपने देखा था अकाउंट रिसीवेबल थे जो आपने पैसे लेने हैं लोगों से यहां पे अकाउंट्स पेएबल हैं जो आपने पैसे देने हैं लोगों के यानी आपने कोई चीज अपना आपने सेलेबल uh, गुड्स जो भी आपकी इन्वेंट्रीज हैं वो आपने उधार खरीद रखी हैं, तो ये आपके अकाउंट्स पेएबल है जो आपने पे करने हैं और ये करंट लाइबिलिटीज में है अगर तो इसका मतलब ये है कि ये आपने विद इन वन ईयर इनको पे करना एंड देन द सेकेंड पार्ट शेयर होल्डर इक्विटी उसमें भी आप देख सकते हैं जो आप कंपनी है अगर तो उसके स्टॉक्स हैं उसकी रिटेल्ड अर्निंग्स है और यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी तरफ मैं आपकी तवजो तो दिलाना चाहता हूं जो अभी हमने स्टार्ट में भी बात की कि बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन और अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या थी कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी अब अगर आप टोटल देखें तो आप ये देखेंगे कि हमारा एसेट्स का टोटल फॉर द ईयर 2018 क्या है सेवेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फोर और अगर आप यही लाइबिलिटीज और एक्विटी पर देखें तो फॉर द सेम ईयर उसका टोटल भी आपको सेम नजर आएगा अगर ये सेम नहीं है तो जान लीजिए कि आपने बैलेंस शीट बनाते हुए कहीं कोई एरर कर दिया है कोई मिस्टेक ऐसी हो गई है जो आपके ये दोनों जो टोटल्स हैं वो मैच नहीं हो रहे क्योंकि ये बेसिक एसेंस है बैलेंस शीट बनाने का कि इसमें ये अगेन मुझे बार बार ये आपको याद दिलाना पड़ता है कि ये बेस कर रही है अकाउंटिंग इक्वेशन पे और अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल हैं लाइबिलिटीज और एक्विटी के और यही चीज अप्लाई होती है बैलेंस शीट पे जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपके एसेट्स का टोटल

2018 की फिगर्स को लेके प्रोजेक्ट करेंगे कि अगर एक सर्टन परसेंटेज से इंक्रीज किया जाए तो 2019 और 20 में क्या पोजीशन हो सकती है सो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट